लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा नहीं बल्कि नफरत हो गया है। और हम लोगों ने जो विकल्प रखा है लोगों के सामने, जो विजन रखा है, लोगों की उम्मीदें महागठबंधन से हो चुकी हैं। और भीड़ इसीलिए आप देखेंगे, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, मतलब जाति और धर्म से ऊपर हट कर के। तब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, हम बड़ा इज्जत और सम्मान करते हैं। हालांकि वो मुझे कहते हैं तू तड़ाक करके बात करते हैं, उनका अधिकार है मेरे ऊपर, बोल सकते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि अपने बाप से पूछो, बाप जैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, जो कि आज तक किसी ने नीतीश कुमार जी को ऐसा बोलते हुए नहीं देखा। बोल सकते हैं, बड़े हैं, हम तो छोटे भाई, हम तो अदना सा एक ठेठ बिहारी हैं, जो बोलना है वो बोले। लेकिन एक बात समझिए कि 15 साल अनुभव होने के बाद भी ऐसी नकारात्मक बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि समुंदर नहीं है तो कारखाने नहीं दे सकते, बोला उन्होंने। तो आप लैंडलॉक स्टेट से कंपेयर कर लो पंजाब हरियाणा से, बिहार से कई गुना छोटा है। नहीं, लेकिन अब वो आप सुन तो, सुन तो लीजिए, कई गुना छोटा है, लेकिन वहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, मजदूरी के लिए लोग हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, लैंडलॉक स्टेट है। लालू जी ने बिहार में कारखाने दिए तो क्या समुंदर था क्या? रेलवे के 3 कारखाने दिए। बात यह है कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। हम पैसा का भी बता रहे कहाँ से आएगा, कितने पदे खाली हैं वो भी बता रहे हैं, और कितना नेशनल एवरेज के सभी मानकों को मिलाते हुए उसके मुकाबले आना है तो कितने पदों को नौकरी देंगे। अरे भैया नीतीश जी, ये जो नौकरी की बात कर रही है, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है जब चाहे तब। आप थक चुके हैं, आप ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, तो आपसे हो नहीं पा रहा। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अवैध शराब के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से चुनाव हार जाए, तो क्या तेजस्वी यादव अवैध शराब के धंधे में है? नहीं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिन बच्चों को, जिन युवाओं को ग्रेजुएशन 3 साल में 5 साल 7 साल लग जाता है, परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता है, जो बेरोजगार हैं, कारखाना नहीं लगा, अस्पताल की बदहाल व्यवस्था है, शिक्षा को चौपट कर दिया, इन सब गरीबी और बढ़ती गई, पलायन और बढ़ता गया, जो लोग तबाह हो रहे हैं वो लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी को हटाना, सब लोग, 12 करोड़ बिहार की जनता। नीतीश कुमार जी बोलते पैसा कहाँ से आएगा, तो 40% तो खर्च ही नहीं कर पाते अपने बजट का। वो शराबबंदी की हम बात कर रहे थे, वो शराब का जिक्र 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि अवैध शराब के धंधेबाज उनको नहीं जीतने देखना देना चाहते। आपकी पार्टी और आपके गठबंधन का शराबबंदी पर क्या रुख है? अवैध शराब हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है, रोकना किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की, मुख्यमंत्री की? वो तो अपनी गलती खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, यानी इस बात से वो खुद मान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, लोगों को शराब पहुंच रही है। लेकिन वो तो इसको क्रांतिकारी कदम बताते हैं, आपका शराबबंदी पर क्या रुख है? क्या शराबबंदी जारी रहेगी, आपकी सरकार आने पर उसे खत्म किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? अरे कागज पे लिख देने से क्रांतिकारी फैसले नहीं होते, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया? गरीब जेल गए, आपने फिर अमेंडमेंट किया, अब बोलते 50,000 जुर्माना लगेगा, तो आप तो खुद बैकआउट कर रहे हो। थाने में जो जब्त किया शराब वो तो चूहा पी जाता है, अब बताओ थाना में चूहा शराब पी रहा है। तो ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अपना होश खो चुके हैं, ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। आप शराबबंदी हटाएंगे? शराबबंदी को नीतीश जी ने जो कदम उठाया उनका अपना कदम था क्या? महागठबंधन का ना था, कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी, हम भी तो थे। अब चूंकि आप अलग हो गए हैं तो क्या शराबबंदी जारी रहेगी,
क्या शराबबंदी को ख़त्म करेंगे, रेगुलेट करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में शराबबंदी एक मुद्दा है जो खुद नीतीश कुमार स्वीकार कर रहे हैं। मुद्दा असल में बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बीमारी, इलाज, अस्पताल, कारखाना, पलायन, ये सारे मुद्दे हैं। अरे भैया इस पे बात करो ना नीतीश जी। अरे लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा क्या पिएगा।